तो इन्होंने कह दिया। मैं दो ही बात कहूँगा कि मैं कई सालों से इंडस्ट्री में हूँ, मेरे ख्याल से मैं कुछ 10 साल का था तब से देख रहा हूँ इंडस्ट्री में। तो जो मेरे बहुत नज़दीक थे वो जूनियर आर्टिस्ट थे, फाइटर थे, डांसर थे, आर्ट डिपार्टमेंट, लाइट मैन, स्पॉट बॉयज, ये असली कलाकार हैं क्योंकि इन लोग अपने बॉडी से काम करते हैं, फिजिकली काम करते हैं। इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और इतने सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो उसी तरह काम करते हैं। और आज ये नया प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें उनको 5 और 2-7 लाख का हेल्प हो रहा है मेडिकल कार्ड से और एक्सीडेंट से, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है, जितने टेक्नीशियंस हैं, डांसर, फाइटर, लाइटमैन, आर्ट डिपार्टमेंट, आपको पता हो, ये प्लीज इसका फायदा उठाइए। इवन आप भी, आपके साथ फैमिली भी है, उनको भी इस चीज का बेनिफिट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये बात आप तक जा रही है तो प्लीज आप जितना हो सके उतने इस चीज का फायदा उठाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा है। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग यही है, डांसर्स, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, लाइट मैन, आर्ट डिपार्टमेंट, जितने लोग हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं शुक्रिया बोलूंगा आपका कि आपने ये कदम उठाया, मैं उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू। तो अगर आनंद में रहना है तो स्वस्थ रहना है, और ये जो सेवा आप लोग दे रहे हैं इससे बढ़कर तो और कोई सेवा है ही नहीं। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये सही मायने में जी रहे हैं, यही आर्ट ऑफ लिविंग है जो दूसरों के चेहरे पे हंसी देता है। थैंक यू। संगीत से आपका मदद करूंगी, कोई पेशेंट जो ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन से, तो मैं गाना सुनाऊंगी, क्योंकि मैं घटना बता रही हूँ, एक छोटी सी घटना हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं। मेरी और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की जब जुगलबंदी संसद में होने की बात हुई, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दोनों आने वाले थे, तो वहां से खबर आया बिस्मिल्लाह खान साहब को तो हिट स्ट्रोक हो गया है, सुनाई दे रहा कि वो अब कब में है, कभी भी गुजर सकता है, और इतना बड़ा आयोजन जो संसद में पहली बार हो रही है, क्या होगा अगर उनका कुछ हो गया तो। तो मैं तुरंत फ्लाई की और जाके मैंने देखा बनारस में कि काफी मक्खी चारों ओर मूव हो रहा है, वो एकदम पूरा जैसे लग रहा है कि मृतदेह है, जान है ही नहीं शरीर में। तो मेरे बैग में ना एक वॉकमैन था और उनका ही बजाया हुआ शहनाई और मिलाद खान साहब का डुएट था। मैं समझा क्या मैं करूंगी, वाकई ये जा नहीं पाएंगे संसद में। मैंने कान में लगा दिया, बोले जादूगर की कौन है तू, आ गई है, क्या करना है मुझे। बैठ गए, चाय पिलाई, 15 दिन के अंदर संसद में जाके ऐसा बजा कि तो आप तक नहीं कह सकती हूँ। वो संगीत का असर है जो दवा के साथ दुआ की तरह लगती है। तो मैं आप लोग के साथ जो भी कहेंगे करूंगी, क्योंकि ईश्वर के बाद डॉक्टर ही जिंदगी में आते हैं, भगवान बनकर। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, हमारे सारे मीडिया कर्मियों को तहे दिल से नमस्कार, और स्टेज पर उपस्थित सारे गणमान्य जी को नमस्कार। जैसे कि संगीत की बात हो रही है और बॉलीवुड वहाँ आरोग्य शिविर है, तो संगीता का उपस्थित होना तो जरूरी है, इसके बिना तो होने वाला नहीं, आपको भी पता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने किया था और पूरे परफॉर्मेंस के साथ में सबको अवार्ड वगैरह दिया था, तो यही फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं और बहुत ही प्लानिंग के साथ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि लास्ट टाइम जो भी त्रुटियां हुई होगी उससे हम सीख करके अभी और आगे अच्छा करेंगे। सो अभी हम लोग और प्लानिंग के साथ में आ रहे हैं, जो भी गणमान्य लोगों को हम लोग रिवॉर्ड अवार्ड देंगे तो उसमें एक परफॉर्मेंस होगा, फिर अवार्ड होगा, और ये सारी प्लानिंग के साथ होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहे, यही तहे दिल से आप लोगों से गुजारिश है, जितने लोग जुड़ सकते हैं इस महा आरोग्य शिविर में जुड़िए
और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच। आपने शिवनी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे खासियत मेरा जो डायरेक्टर है तिजोरी साहब आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, इससे बड़ा खुशी और बोल नहीं सकते। ये हमारा जो तीसरा साल का बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर है और इस बार बहुत धूम धड़के से हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेस करेंगे क्योंकि इतना लोगों का हाथ है अभी हमारे साथ में। इसके लिए सबको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो कॉज है वो बहुत हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट कॉज है और लास्ट ईयर भी एक्चुअली मुझे बुलाया गया था, आई वाज लिटिल कॉट अप, बट इस साल मुझे पता चला तो आई डेफिनेटली वांट टू जंप इन टू इट, आई सेड आई डेफिनेटली बी देयर। और एमएनएस जी और नीरज जी के साथ में अभी गणेश जी भी जुड़ गए हैं, मास्टर जी, तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो। और मेरे और भी अजीज यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, अन्ना जो जिनके साथ में मैंने दो लफ्जों की कहानी फिल्म बनाई थी और ये मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है। सो आई रियली एंजॉयड हिम एंड तिवारी जी को देख के बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं अब ये समझता हूँ कि डेफिनेटली ये छोटे से छोटे इंसान और बच्चे तक हमारे इंडस्ट्री के सब तक ये डेफिनेटली ये गुड कॉज पहुँच जाएगा क्योंकि आपको देख के मुझे ये डेफिनेटली बिलीव होता है कि यू नो ही इज वन मैन हु इज नोइंग एवरीबडी पर्सनली एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट ही इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन नाउ। एंड इस टाइम का आपका जो है वो शिविर डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। सो आई हैव टू बी हियर, आई एम हियर टू सपोर्ट एवरीबडी हियर। एंड हमारी इंडस्ट्री के कई ऐसे वर्कर्स हैं जिनको ये फैसिलिटीज की इतनी जरूरत होती है, तो मैं समझता हूँ आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस सर, यू बीन डूइंग इट सक्सेसफुली फॉर द लास्ट, दिस इज द थर्ड ईयर नाउ, सो आई होप दिस कंटिन्यूज एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। थैंक यू। जिनके पास आधार कार्ड होगा और जिनका इनकम टैक्स हायर ग्रुप में नहीं होगा, जो लो इनकम टैक्स ग्रुप में जिनका होगा, जो इनको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, जो इनकम टैक्स पेयर होगा वो इसमें इंटाइटल नहीं होगा, उनको ये आधार कार्ड नहीं मिलेगा और उनको ये श्रम कार्ड भी नहीं मिलेगा। बात बहुत सिंपल है, इसको और क्लैरिटी के साथ कर देते हैं कि धर्मेंद्र जी का यही कहना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं, जो उस दायरे में आते होंगे उनको जरूर मिलेगा, भले आप आपका आधार कार्ड है और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। तो हेल्थ कार्ड जो है आपका वो 5 लाख का है, जो आपका कंटिन्यू रहेगा, और जो आपका एक्सटेंशन कार्ड है वो 1 साल का है, जो बाद में दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, वो 2 लाख रुपए का है। एनी अदर क्वेश्चन, कोई सवाल? मैं मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी आपके या चाहे मास्टर जी के टीम मेंबर में जो हैंडीकैप के किसी कारण से उनको व्हीलचेयर की जरूरत है, तो अगर मेरे पास अगर पहले से अगर लिस्ट आ जाती है तो हमारी कोशिश रहेगी कि कोई आदमी छूटे नहीं। जैसे हमें नीरज तिवारी ने डराने की कोशिश की कि कम पड़ जाएगा, तो अगर ये लिस्ट अगर आ जाएगी तो शायद वो चीज़ें हम होने नहीं देंगे, है ना। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप लोगों की जो भी लिस्ट है, यानी कि आप लोगों के जो मेम्बर्स हैं वो अगर एक पर्टिकुलर मेल आईडी पे हिमांशु मेल आईडी दे दी जाएगी और उसके ऊपर आ जाती है, सो दैट ये हम भी तैयारी में रहते हैं कितने लोग हैं। जैसे गणेश जी से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि 16,000 मेम्बर्स हैं, तो जो भी 2-3 हज़ार मेम्बर्स हैं, तो जो भी उनके रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी कोशिश होगी, सबकी ही कोशिश होगी कि उसको फुलफिल किया जाए। स्क्रीनिंग होती है, जो डॉक्टर्स स्क्रीनिंग करते हैं और वो मेडिसिन लिख देते हैं, उसके बाद वो फर्दर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जो जितने भी आई न्यूरो न्यूरोबैनिक टीएनटी जितने भी कंसल्टेंट हैं, 22 तरीके के कंसल्टेंट रहेंगे, वो उनको लगता है कि इनको मेडिसिन से ठीक हो सकता है या सर्जरी की जरूरत है, तो वो अगर सर्जरी की जरूरत है तो उनका पूरा लिस्ट हमारे यहाँ तैयार हो जाता है और स्कैन के बाद उन पेशेंट को बुला करके जहाँ जिस तरह के ये सुविधा मुहैया करा करके उनको स्वस्थ कर सकते हैं, ये 2 महीने के अंदर उनको सर्जरी करा करके हम उनको स्वस्थ करते हैं। वैसे ही मेडिकल केसेस, जैसे 2 तरह केसेस, एक मेडिकल एक सर्जिकल,
सर्जिकल में ऑपरेशन, कैटरेक्ट से लेकर के हार्ट, किडनी और घुटने के सर्जरी, ऐसे 1000 से ज्यादा तरह की सर्जरी वहाँ आइडेंटिफाई की जाएगी, जिसमें जिस तरह के भी लोग उस सर्जरी के बेनिफिट लेने वाले अगर आइडेंटिफाई होते हैं, उनको 2 महीने के अंदर फिर सर्जरी करा कर उनको मुकम्मल स्वस्थ करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे ही मेडिकल में किसी को HIV, TB, जॉन्डिस तरह के जो मेडिकल केसेस होते हैं, उनको ये वही लिख करके दे दिया जाएगा कि आपको कहाँ कौन से हॉस्पिटल में, और साथ में उनके कार्ड बनेंगे ही, तो 5 लाख से ज्यादा तक की ट्रीटमेंट उनको हमारी टीम जहाँ उनको हम गाइड करेंगे वहाँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर के उनको सुदृढ़ स्वस्थ बनाने में ये कैंप का बहुत बड़ा रोल रहेगा।